gosh. मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, एक कटोरी आटा, नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और एक कप पानी, एक कप दही। चलिए अब इसमें आटे में सब इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। पहले गेहूं का आटा लेंगे। ये घी का आटा है। अब नमक, सॉल्ट, अब बेकिंग सोडा डालेंगे। और बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब दही मिक्स करेंगे। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रनी सा डव बनाएंगे। इस तरह से आटा रखना है, रनी कर लीजिए, थोड़ा ढीला रहना चाहिए। वास्ते हम लोगों ने लिए है थोड़े से वेजीज, पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर। चलिए अब मैं इसे काटता हूँ। मिलते हैं वेजीज काटने के बाद। अब हम पिज्जा की टॉपिंग्स बनाएंगे। मैंने पैन गरम करने को रख दिया है। अब मैं 2 टेबलस्पून नमक, तेल डालूंगा। अब सारे वेजीज डालते हैं। 1 टेबल स्पून काली मिर्ची। अब हम डालेंगे ऑरिगैनो। और अब नमक। इसे ज्यादा पकाना नहीं, सिर्फ थोड़ा सा सॉटे करना है। सॉटे हो चुके हैं, अब इसे निकालेंगे। शानदार लग रहा है, इसकी खुशबू तो मस्त है, बहुत अच्छा दो बना है। इसमें से एक गोला लेंगे। तो इसमें आधा चम्मच तेल ग्रीस करेंगे। चलिए पिज्जा का बेस तैयार करते हैं। हमें पूरा पिज्जा धीमी आंच पर बनाना है। अब ये देखिए, ये धीरे धीरे फूल रहा है।
ये एक साइड का है। कितना मस्त दिख रहा है यार, क्रंची दिख रहा है ना? पक चुका है ये, पक चुका है। Yummy, yummy, okay.